गुड मॉर्निंग क्लास एंड एंजल्स फैमिली वेलकम सू इन ऑनलाइन क्लासेस क्लास इलेवंथ कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड अवर टूडे टॉपिक इज मल्टी नेशनल कंपनीज ऑफ चैप्टर थर्ड प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस सो बेटा मल्टी नेशनल कंपनीज क्या होती है और इसके क्या फीचर होंगे क्या इसके नेचर होते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं So, बेटा स्टार्ट करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज देखिए बेटा इसके नाम से क्लियर है मल्टीनेशनल ये दो वर्ड से बना हुआ बेटा एक वर्ड है जिसमें एक वर्ड मल्टी है और दूसरा बेटा नेशन है इट मीन्स मल्टी मीन्स होता है बेटा मैनी और नेशन मीन्स होता है देश तो बेटा एक ऐसी कंपनीज़ जो बेटा दो या दो से अधिक देशों में या बहुत सारे देशों में जिनका व्यापार होता है अपने व्यापार को करती है वे कंपनियां बेटा मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है इट मींस बेटा ऐसी कंपनियों के लिए बेटा कोई भी एक देश की सीमा जो है निर्धारित नहीं होती ये ऐसी कंपनियां होती है बेटा जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इट मीन्स ग्लोबल लेवल पर जो है अपना प्रोडक्शन करती है और अपने प्रोडक्ट को बेटा सेल्स करने का कार्य करती है जैसे आप लोग बेटा देखते होंगे कि आप लोग पेप्सी कोका कोला ये बेटा दो अलग अलग कंपनी है पेप्सी की जो मेन कंपनी है बेटा वो है पेप्सी को और इसी प्रकार कोका कोला ये बेटा दोनों अलग अलग कंपनियां हैं जो आपकी यूएसए की है लेकिन ये आपको अपनी लगती होगी और मैं बेटा बताऊं आपको ये जो पेप्सी और कोका कोला जो कंपनियां हैं बेटा ये एक ऐसी बीवरेज कंपनी है मीन्स ऐसी बीवरेज प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जिनका व्यापार बेटा आज लगभग आप मानकर चलिए बेटा 150 कंट्रीज में जो है बेटा इनका व्यापार हो रहा है इट मीन्स डेढ़ सौ से ज्यादा देशों में जो है बेटा पेप्सी और कोका कोला जो प्रोडक्ट है वो सेल्स किए जा रहे हैं सो so, बेटा ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे जिन कंपनियों का व्यापार जिन कंपनियों का ट्रेड जो है बेटा दो या दो से अधिक देशों में होता है उन कंपनियों को हम उन कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहेंगे जैसे बेटा यदि हम एग्जाम्पल लें पेप्सी कोका कोला सैमसंग ठीक है बेटा सोनी आप इंडियंस जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका भी एग्जाम्पल ले, ले सकते हैं जैसे रिलायंस इन्फोसिस विप्रो सो बेटा ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यापार जो है केवल एक देश में या दो देश में नहीं है बल्कि अनेकों देश में जो है बेटा इनके प्रोडक्ट खरीदे और बेके जाते हैं सो ऐसी कंपनियों को हम मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं देखिए बेटा स्पोर्ट में आप एडिडास देखते हैं बेटा नाइक देखते हैं तो वे भी आपकी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है आप लोग मैगी खरीदते हैं तो जो मैगी है बेटा उसको बनाने वाली कंपनी नेस्ले है जो कि स्विट्जरलैंड की है तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है आप लोग रिचार्ज कराते हैं वोडाफोन का रिचार्ज कराते हैं तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बेटा आपके यूके से है सो so, ये बहुत सारी आपके इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी जो है बेटा आप देख सकते हैं जो अपना व्यापार कर रही है सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है तो मल्टीनेशनल कंपनी वे कंपनियां होती हैं जिनका व्यापार दो या दो से अधिक देशों में होता है और ये अपने प्रोडक्ट को दो या दो से अधिक देशों में बेचने का काम बनाने का काम करते हैं नेक्स्ट है बेटा फीचर्स ऑफ एमएनसीज़ के बेटा जो फीचर हैं वो क्या होंगे मल्टीनेशनल कंपनी की बेटा क्या खासियतें होती हैं क्या इनका नेचर है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं नाउ वी विल डिस्कस दैट सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज साइज देखो बेटा जाइंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा जनरली जो जाइंट वर्ड है आपने कभी इससे पहले अपनी छोटी क्लासेज में बेटा यूज भी किया होगा जहां पे जाइंट का मतलब होता है एक राक्षस दानव एक बड़ा राक्षस दानव आपने जो है जॉइंट वर्ड ये यूज किया होगा तो यहां पर बेटा इस जॉइंट वर्ड का मतलब है एक बड़ा एक बड़ा साइज इट मीनस बेटा वेरी लार्ज तो जॉइंट साइज का मतलब होता है कि बेटा जो एम जो ये होती है इनका जो ऑपरेशन है इनका जो बेटा साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है तो जैसे मैंने अभी बताया कि बेटा ये ऐसी कंपनियां हैं जो दो या दो से अधिक देशों में अपना व्यापार करती हैं। तो बेटा इन कंपनियों के अंदर इनका साइज इतना बड़ा होता है कि बेटा इन कंपनियों के अंदर लाखों जो इम्प्लॉज हैं वो वर्क करते हैं और इनकी जो है बेटा सैकड़ों जो है ब्रांचेज होती हैं सो so, इसलिए कहा गया है कि जो एम होती है इनका जो साइज है वो ज्वाइंट होता है वो काफी बड़ा होता है नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑपरेशन देखिए बेटा इनका जो ऑपरेशन है इट मीनस जो ये अपने प्रोडक्ट की सेल्स और सेल्स जो करते हैं ये जो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं इनकी जो खरीद प्रोक्त है बेटा जो बिक्री है जो खरीदारी है ज के प्रोडक्ट की बेटा इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है देखिए बेटा पैप्सी कोको का कोला आप भी पी रहे हैं तो बेटा जापानीज भी पी रहे हैं चाइनीज भी पी रहे हैं उसको बेटा यूएसए में भी खरीदा जा रहा है इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर जो है ये कंपनी अपना काम करती है ये किसी बेटा एक देश तक सीमित नहीं होकर रह जाती कि केवल इनका जो कार्य है वो केवल एक देश तक ही सीमित रहता है इनका जो ऑपरेशन है इनका जो बेटा कार्य है वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है इट मीन्स पूरे ग्लोबल लेवल पर बेटा ये होता है सो so, इसलिए कहा गया है इंटरनेशनल ऑपरेशन इट मीन्स बेटा कि इंटरनेशनल ऑपरेशन का मतलब ये हो जाता है कि ये जो कंपनियां हैं ये अपना प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पर करती है मीन्स अनेकों देशों में करती है नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखिए बेटा जो एम होती है इनका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल्स करते हैं प्रोफेशनल्स आप जानते हैं हम किनको कहेंगे आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है प्रोफेशनल्स वो एक्सपर्ट होते हैं जिनके पास अपने फील्ड की स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक्स होती है स्किल्स होती है जैसे बेटा सी एस सी एस एम बी पर्सन तो बेटा ये जो बंदे होते हैं ये ही आपके एम को जो है बेटा कंट्रोल करते हैं मैनेज करते हैं आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा जो गूगल है इसकी जो सीईओ है बेटा आपको पता होना चाहिए वो हमारे ही देश से है सुंदर पिचाई और उन्होंने बेटा यहीं से ही जो है अपनी आई आई टी कम्प्लीट की थी अब वो जो है बेटा केवल सीईओ आपके गूगल के ही नहीं जो गूगल की जो बेटा मेन कंपनी है अल्फाबेट उसके भी बेटा वो सी ओ बन चुके हैं और बेटा वो हमारे एक आई आई टी एन है इंडिया के तो बेटा देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं बेटा वर्ल्ड लेवल पर प्रोफेशनल ऐसी कंपनियों को बेटा चाहे किसी भी देश से मिलते हैं ये अपने देश तक ही बेटा सीमित नहीं रहते ये अच्छे प्रोफेशनल्स जो है अपने यहाँ पे रखते हैं चाहे बेटा वो किसी भी देश के हो तो आप देख सकते हैं कि सुंदर पिचाई इंडिया से बिलोंग करते हैं यहीं पर उनकी स्टडी हुई लेकिन बेटा वो आज जो है गूगल को और जो उसकी मेन कंपनी है अल्फाबेट उसको लीड कर रहे हैं वो उसके सीईओ हैं तो ऐसे ही बेटा बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं हजारों की संख्या में जो प्रोफेशनल्स हैं ऐसी एमएनसीज के अंदर काम करते हैं और अपने उस बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल देखिए बेटा सेंट्रलाइज कंट्रोल से मतलब होता है कि जो एमएनसीज होती है जनरली जो इनका बेटा हेडक्वार्टर होता है वो इनका जो हेड ऑफिस होता है बेटा वो इनका अपने ही देश में रहता है इट मींस पेप्सी पेप्सी को यदि कोई एक कंपनी है बेटा तो उसका हेडक्वार्टर बेटा यूएसए में होगा क्योंकि वो यूएसए से बिलोंग करती है तो इट मीन्स जितनी भी बेटा इसकी बाहर दूसरे देशों में ब्रांचेज होगी वहां जो कंट्रोल होगा बेटा वो यूएसए से ही होगा इट मीन्स जो कंट्रोल होगा बेटा वो मेन हेड ऑफिस से होगा इसलिए बेटा जो भी इंस्ट्रक्शन जो है मान लिया कोई भी जो ब्रांचेज है जो बेटा वो हमारे इंडिया में है इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है पैप्सी का तो बेटा उस ब्रांचेज़ को जैसे इंस्ट्रक्शन जो है बेटा यूएसए से मिलेंगे वैसे हमारे यहाँ की ब्रांच जो है बेटा उसको फॉलो करेगी इट मीन्स यहां पर जो कंट्रोल होता है वो एक ही जगह से होता है इट मीन्स उस एमएंसीज की होम कंट्री से होता है इसलिए कहा गया है सेंट्रलाइज कंट्रोल नेक्स्ट पॉइंट इज ओलिगोपोलिस्टिक पावर देखो बेटा आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा ओलिगोपोली हम किसको कहते हैं ओलिगोपोली बाजार का एक ऐसा रूप होता है मार्केट की एक ऐसी फॉर्म होती है बेटा मार्केट होती है जिसके अंदर किसी गुड्स को बनाने वाले बेटा कुछ ही मींस गिने चुने ही जो है प्रोड्यूसर रहते हैं लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होता है तो बेटा ये एमएनसी जो होती है ये हजारों की संख्या में नहीं होती ये गिनी चुनी जो होती है हर सेक्टर में गिनी चुनी जो है बेटा एमएनसीज होती है हर सेक्टर में जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में लें तो बेटा वर्ल्ड लेवल पर गिनी चुनी जो है एम होती है आप हेल्थ सेक्टर में ले तो वर्ल्ड लेवल पर गिनी चुनी एमएनसीज होती है तो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग जो है बेटा गिनी चुनी ही मीन्स कुछ ही नंबर में जो है बेटा ये एमएनसीज होती है और बेटा इनका पूरे ले, पूरे वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पर जो है बेटा इनकी पावर चलती है यही जो है पूरे मार्केट को जो है बेटा डोमिनेट करते हैं अपना वर्चस्व जो है अपना मार्केट पर बना के रखते हैं इनका साइज बहुत बड़ा होता है बेटा ये होते तो कि चुने लेकिन साइज इतना बड़ा होता है बेटा इन ये कंट्रोल बेटा पूरे वर्ल्ड लेवल पर करते हैं इसलिए कहा गया है कि इनके पास जो है वो ओलिगोपोलिस्टिक पावर होती है नेक्स्ट है बेटा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी देखिए बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी ये जो एम होती है बेटा इनके पास किसी भी तरीके से फंड की पैसे की बेटा कोई कमी नहीं रहती है इनके पास जो है बेटा कभी भी किसी भी तरीके से जो फंड जो है बेटा वो कभी सोट नहीं रहता इसलिए बेटा ये जो कंपनियां होती हैं हमेशा अपने रिसर्च एंड डिपार्टमेंट पर वर्क करती रहती है रिसर्च पर वर्क करती रहती है और नई से नई टेक्नोलॉजी जो है बेटा वो मार्केट में लेकर आती है ये बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है बेटा यूज करते हैं इनसे बेटर टेक्नोलॉजी दूसरा बेटा कोई नहीं यूज कर सकता और इस एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत ही जो बेटा ये पूरे वर्ल्ड पर जो है राज करते हैं तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है बेटा वो एडवांस होती है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी बेटा मजबूत होती है जिससे लगातार ये रिसर्च एंड जो इनका जो बेटा आर डी डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट जो होता है बेटा ये उस पर कंटिन्यूसली एक बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं नई नई रिसर्च लगातार करते रहते हैं जिससे कि ये बेटा नई नई टेक्नोलॉजी और यू कैन सी द एडवांस टेक्नोलॉजी का लगातार बेटा यूज करते हैं इनकी टेक्नोलॉजी बेटा वर्ल्ड में बेस्ट होती है इसलिए कहा गया है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सो बेटा आज हम इस वीडियो में हमने कवर किया मल्टीनेशनल कंपनीज और उसके फीचर आई होप बेटा आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज टिल देन टेक केयर थैंक यू